जैसे ही हमारी टैक्सी यहाँ पर आकर रुकती है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमको घोड़ा लेने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम टैक्सी से उतरे, घोड़े वाले जो थे वो हमारे पास आ गए और वो अपना घोड़ा ऊपर तक ले जाने के लिए अपने रुपए बताने लगे। तो हम दोनों का बताया था कि हम 6,000 रुपये में आप दोनों को सोनमर्ग, जहाँ पे जाके बर्फ़ मिलती है, वहाँ तक लेके जाएंगे। लेकिन हम पहले से ही रिसर्च करके गए थे, हमको पता था कि इतने ज़्यादा रुपया इनको नहीं देने हैं, हमें बार्गेनिंग करनी है होती है। तो हमारा जो तय था, हमने 1500 रुपये बोला था, लेकिन फिर हमारा 2000 रुपये में दोनों का विद सूझ तय हो गया। दोस्तों, रास्ते का सफ़र बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही हम वहाँ से चले, पता नहीं कौन कौन आकर के घोड़े की जो लगाम है वो अपने हाथ में लेके चलने लगते हैं और आपको वो तरह तरह के ऑफ़र देते हैं। कोई स्लेज गाड़ी वाला होगा वो आपको स्लेज का ऑफ़र देगा, कोई आपको फोटोग्राफर होगा वो आपकी घोड़े की लगाम पकड़ लेगा, आपको समझ में ही, वो आपको वीडियो बनाने के लिए ऑफ़र देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा ड्राइवर है, कौन कैसा है, क्या है। लेकिन आपको बहुत सावधानी बरतनी है, किसी के बेकाबे में नहीं आना है, और जितना आप बार्गेनिंग कर सकते हो, जितना आप उनके प्राइस को कम कर सकते हैं, उतनी बार्गेनिंग हमको करनी चाहिए, क्योंकि उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इस टाइम नहीं, 8-9 फुट बर्फ होता है। इस साल नहीं पड़ी, इस साल हम आए थे। इस साल तो मजा इसलिए पड़ा, पड़ना चाहिए था। अब तुझे पता, आज बादल थोड़ा आ गया ऊपर से, आज की ना तारीख है। 8-9 फीट तो बहुत ज्यादा है, फिर तो कुछ को बंद कर दिया होगा ये। और बहुत तेज आ रहे हैं ये, इसको साइड में कर लो भाई, कोई पता लगे। ये तो गिरा, मुझे भी लेके गिर गया। देखो 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 सामने, चल भाई घोड़े। हाँ जी, इसने रास्ता बदल दिया क्या? खातिरदारी सही कर देगा उनकी। तब से ऐसी जगह, वो फिल्म तो बहुत पुरानी है, अमिताभ बच्चन की, तब से ऐसी ही है ये ना, शूटिंग करी है ना। संभल के पकड़ लिए। कैसा मजा आया?
हाँ अच्छा लगा, बस थोड़ा बर्फ और होती तो और मजा आता। स्लेज नहीं किया बेकार है। अब क्या भरोसा है, गुलो अभी तो सुना मारा है, गुलो मारा है। उससे अच्छा तो ऊपर से खुद ही रपट जाओ तो वो ज्यादा स्लेज रुपए बच जाएंगे स्लेज के। बजरंगी भाईजान मतलब पॉइंट इधर यही तो है। कैसा लग रहा है, बढ़िया आ रहा है? हाँ, बस थोड़ी ठंड है। डेली नैनीताल में घोड़े पर चल के थोड़ी दूर तक पहुंचाने के लेते थे।